हेलो फ्रेंड्स दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग और आपको जैसे कि पता ही है हम हर वीकली करंट एनर्जी आपके पार्टनर की चेक करने वाले हैं तो पिका कार्ड रीडिंग है करंट एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर की चलिए स्टार्ट सबसे पहले आपको ऑप्शन दे दूं मैं मैं स्टार्ट कहां से करने वाली हूं पहले ऑप्शन तो दे दूं ओके फ्रेंड्स लेट मी गिव यू ऑप्शन सो फर्स्ट ऑप्शन यू हैव दिस लिटिल बिट गोल्डनिश कलर ऑफ नेल पेंट द सेकेंड वन यू हैव द सिल्वर सो पिक आउट एनी वन राइट दिस वन और दिस वन पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू विच एवर यू फील रेजोनेटेड विद राइट चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नंबर तो आपको, आपको पता है कि आपको पॉज करनी है वीडियो करना है चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन सिलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके बारे में आखिर क्या सोचते हैं क्या क्या फीलिंग है करंट उनकी एम नॉट रेडी एट एंड दीज आर लाइक टू मेनी कॉल फ्रेंड्स वेट अ सेकेंड लेट मी टेक माई टाइम राइट आपको पता है टाइम लेती हूँ आप थोड़ा आगे स्किप कर लीजिए अगर ये फ्रेंड्स आपको पता ही है पाइल नंबर वन वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी करंटली टेन ऑफ वॉन्स Four of Cups, King of Cups, एक कार नीचे गिर गया हम लास्ट में उठा लेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो यहां हमारे पास आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड लेंगे फ्रेंड्स। एट ऑफ एट ऑफ़ स्वर्स एंड द डेथ कार्ड जो नीचे कार्ड गिरा है दैट इज नाइट ऑफ स्वर्स लेट मी पिक आउट डेथ कार्ड आप लोग थोड़ा ओके okay, ये था कार्ड नाइट ऑफ चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपकी तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहला गाड़ी हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन जो है आपका पार्टनर फील कर रहा है करंटली तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे डेथ कार्ड आया है तो यहां मुझे लग रहा है किसी ना किसी तरीके की यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में या किसी ना किसी तरीके से कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में और इस इंसान का करंटली जो अब फ्रेंड्स गिव मी अ सेकंड आप स्किप कर लीजिएगा वीडियो फ्रेंड्स वी आर बैक अगेन तो कहां पे थे हम तो मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि यहाँ डेथ कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग हुई है डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रही हैं कुछ डिफरेंट चेंजेस जो कि जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रही हैं आपके पार्टनर मतलब उनके व्यक्तित्व में कुछ डिफरेंट यू नो डिफरेंस आएगा कुछ चेंजेस आएंगे ठीक है जो ओल्ड पैटर्न उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने की जरूरत है ओल्ड हैबिट ओल्ड पैटर्न्स वो एलिमिनेट कर पाएंगे इस फेज की वजह से तो करंटली आपका पार्टनर जो है इस फेज से गुजर रहा है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उनके शोल्डर्स पे काफी यहाँ पे मुझे बर्डन दिख रहा है चाहे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन हो चाहे ये यहाँ पे हमारा आप कह सकते हैं कि यू नो वर्कलोड वगैरह हो सकता है लेकिन किसी ना किसी तरीके का उनका ऊपर जो है बर्डन है चाहे आपके कनेक्शन की वजह से जो एंडिंग हुई है उस चीज ने उनके उनको बहुत ज्यादा बर्डन दिया है राइट चलिए नेक्स्ट कार्ड की बात कर लेते हैं फोर ऑफ कप्स फोर ऑफ कप्स जिन चीजों पे उनका भी ध्यान है वो चीजें उनको फ्रूटफुल जो है वो रिजल्ट नहीं दे रही हैं जिस जी, जिन चीजों पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन यह मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ में डिवाइन उनको कुछ और देना चाहते हैं मतलब अगर आपका कनेक्शन सही नहीं चल रहा है तो ये एक डिवाइन की इंटरप्शन inter, होती है ताकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ सके कुछ ओल्ड पैटर्न जो आप दोनों को सर्व नहीं करते वो चीजें लेट गो हो राइट नेक्स्ट यहाँ पे इमोशंस की और लव की कमी नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे अनकंडीशनल लव तो करते हैं आपके पार्टनर डेफिनेटली करंटली भी फील करेंगे बट एक्सप्रेसिव वे में नहीं है अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल कर रखा है आपके पार्टनर ने डेस्परेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं ये वाली एनर्जी प्रेजेंट है बट मुझे लग रहा है कुछ डर है ये कॉम्युनिकेट करने से उनको किसी बात का डर है जैसे बंधा हुआ फील कर रहे हैं ठीक है तो ये कुछ भी हो सकता है किसी बात का जैसे डर है उनको कुछ दिमाग में खुद के बनाए हुए डर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो शायद ये स्टेप नहीं ले पा रहे पर मुझे यहाँ लग रहा है स्ट्रांगली स्ट्रांगली जो पायल नंबर वन है यहाँ पे अपना मनी के ऊपर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है क्वीन ऑफ पेंटिकल भी दिखा रहा है यहाँ किसी तरीके की फाइनेंशियल यू नो फाइनेंशियल यहाँ पे स्टेबिलिटी या ग्रोथ हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में जो चेंजेस हैं वो मुझे लग रहा है मनी उन्होंने मनी एरिया को टारगेट किया है उसपे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही उस उसपे उनका फोकस रहेगा काफी सिक्योर कुछ लोग यहाँ पे आपके पार्टनर ऑलरेडी काफी सिक्योर हो सकते हैं ग्राउंडेड हो सकते हैं ठीक है और दूसरी चीज जो यहाँ पे दिख रही है इनकी एनर्जी आपकी तरफ काफी केयरिंग और नर्चरिंग शो हो रही है लेकिन इनका ध्यान मे भी अभी मनी एरिया पे हो लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके केयर करते हैं और यहाँ पे ये जो है एक स्ट्रांग फाउंडेशन इस तरीके की आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं स्टेबल लेवल पे बट जो बात है कि यहाँ पे कुछ डर है इस इंसान के करंटली दिमाग में कुछ डर फियर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है कोई खास निर्णय नहीं ले पा रहा है ठीक है और ये इंसान इस इंसान का जो समय है अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जिसकी वजह से अपना बेस्ट वर्जन बनके निकलेगा उसके नीचे हम यहाँ पे बात कर लें तो यहां पे एक सेवन ऑफ कप्स दिख रहा है इसका दिमाग अभी बहुत से चीजों में अटका हुआ है मतलब लव लाइफ के बारे में भी कभी ये सोचता है यहाँ स्टेबिलिटी चाहिए कभी ये कहता है मनी एरिया में चाहिए कभी कहता है मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है कभी सोचेगा ये अलग अलग तीन कप देख रहे हैं ये अलग अलग चीजों के बारे में जो है इन्वॉल्व हो सकता है तो यहाँ पे आपकी जो लव सिचुएशन है वो स्टक है आपकी लव सिचुएशन स्टक हो रखी है ये इंसान इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करता हुआ नजर आ रहा टार मूवमेंट हुई है कुछ पास्ट में यहां फेज हुआ है आप दोनों के बीच में ठीक है और ये अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप भी करते हैं आपके बारे में ठीक है हो सकता है करंटली कोई पार्टीज वगैरह अटेंड कर रही हो और ये क्वीन ऑफ वोर्स दिखा रहा है कि ये इंसान कम्युनिकेट तो करना चाहता है पर मुझे लगता है साथ ही साथ यहाँ थोड़ा सा गुस्सा एंगर भी देखने को मिलेगा आपको आपके पार्टनर के अंदर तो बेसिकली यहां जो मेन चीज निकल के आई है कि यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हुई हैं कुछ टार मूवमेंट हुआ है ठीक है स्टक सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान करंटली और ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहा है ये जो स्टक सिचुएशन है ये इसलिए भी है ताकि ये इंसान कुछ सीख पाए अपनी लाइफ में यहां मैं आपको फिर से जोडियक साइंस बता देती हूं यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो साइन है देन हमारे पास फायर साइन भी है वाटर साइन भी है यहाँ पे एयर साइन भी है और अर्थ साइन भी है ऑलमोस्ट यहाँ सारे साइंस जो हैं प्रेजेंट हैं राइट चलिए अब आपके लिए हम कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं इस इंसान की तरफ से जिन्होंने पाल नंबर वन सेलेक्ट किया है आई एम नॉट रेडी एट फ्रेंड्स आई रिमेंबर यू तो यहाँ सेपरेशन फेज है ये इंसान आपको कहना चाहता है कि मैं अभी भी आपको भूला नहीं हूं माइ टच फॉर माइ टेज फॉर माइ लस्ट तो यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है इस पार्टनर की तरफ से इतने सारे काज तो हम नहीं लेंगे ये इंसान आपको क्या कहना चाहता है तो यहाँ हमारे पास जो है कार्ड आया है आई कैन सी इटर्निटी इन योर आईज आपकी आईज पसंद है इस इंसान को योर my, my head, राइट right? तो आपने जो कुछ भी कहा इस इंसान को कंटिन्यूसली इस इंसान के दिमाग में घूमता रहता है आई विल डू एनी थिंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस ये इंसान कुछ भी कर सकता है आपकी खुशियों के लिए ये देखिए योर ब्यूटी cascades over ओवर मी आप सुंदर हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन एक मैसेज और लेते हैं हम ये इंसान क्या कहना चाहता है ओके डेर इट यहाँ पे हमारे पास कार्ड आ चुका है आई फील सो जॉय विद यू इट्स लाइक आई एम किड अगेन आपके साथ बिल्कुल इनको यू नो बच्चों इंसान चलिए आपके लिए एक एडवाइस लेंगे हम जल्दी से जिन्होंने पाइल नंबर वन सिलेक्ट किया है यहाँ मुझे स्टॉप ऑब्सेसिंग कार्ड दिखा है सबसे पहले तो तो आप में से कुछ लोग जो ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान को लेकर तो उनके लोगों के लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से कि ऑब्सेशन करना बंद करें आप थोड़ा चलिए एडवाइस देखते हैं ओ माय गॉड ये कार्ड ना पहले खुला था फ्लिप आउट हुआ था मैंने बोला ना आपको स्टॉप ऑब्सेशन और मैंने फिर से उसको पुट कर दिया आपके सामने शफल किया और वो फिर से निकाल के वही आ गया तो गॉड आपको बेसिकली कहना यही चाहते हैं स्टॉप ऑब्सेसिंग ऑब्सेस करना बंद कीजिए राइट right? चलिए आप लोगों के लिए एक सॉन्ग लेते हैं इस पर्सन की तरफ से चलिए देख लेते हैं क्या सॉन्ग आया है आप लोगों के लिए जीना जीना आतिफ़ का सॉन्ग है जीना जीना आप सर्च कर लीजिएगा कौन सा सॉन्ग है राइट चलिए ये हो गई है पाइल नंबर वन की रीडिंग चलिए अब हम मूव मुँव, मूव ऑन करते हैं पाइल नंबर टू की तरफ तो यहां हमने सिल्वर कलर का जिन्होंने सिलेक्ट किया है पाइल आप आग थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं मुझे कार्ड निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स आई एम नॉट रेडी एड यहाँ हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्स फोर ऑफ कप्स आया है काफी सारे कार्ड आ गए हैं लेट मी पिक आउट ऑल सेवन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्स आया है वर्ल्ड कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल आया है हैंगमैन आया है और पेज ऑफ वॉन्स आया है मैं वन लास्ट कार्ड और लेना चाहूंगी फ्रेंड्स बॉटम ऑफ द डेक आप देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स और डेथ कार्ड आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे किस तरीके की कि आपकी एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में और ये इंसान जो है आपको हाईली मिस करता है पर मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी ओके okay, तीन कार्ड और आए काफी ज्यादा कार्ड आए हैं पहले नंबर टू के लिए बट इट्स ओके हम सारे लेंगे तो यहाँ देखिए फोर ऑफ पेंटिकल आया है सिक्स ऑफ कप और फोर ऑफ वोन्स आया आप ये चीज देख पा रहे हैं फोर फोर एंड बीच में है सिक्स ऑफ कप्स तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी ये इंसान ना स्ट्रोंग सोलफुल कनेक्शन की तरह देखता है इस रिलेशन को इस इंसान ने सोल्सल कनेक्शन की तरह देखा है या ओल्ड मेमोरीज है आप लोगों की पास्ट की जिसे ये इंसान अभी भी याद करता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरी चीज है कि हो सकता है कुछ लोगों के ये उनका चाइल्डहुड फ्रेंड हो फोर ऑफ पेंटिकल यहां दिखा रहा है ये इंसान चाहता है यूनियन आपके साथ बट होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है ये इंसान इस कनेक्शन से बेसिकली होल्ड बैक कर रहा है ठीक है कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहा है अपने इमोशंस को होल्डिंग बैक कर रहा है करंटली आपका पार्टनर चलिए इसको इस साइड में रखते हैं बात कर लेते हैं इन कार्ड की अभी आपकी सिचुएशन इस इंसान के साथ टोटली स्टक है जैसे आपने पहले देखा डेथ कार्ड भी आया वही सेम कार्ड आए थे पाइल नंबर वन वालों के लिए भी। तो यहां पे मुझे लग रहा है डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है ये बहुत लोगों की लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है और उस वो डिवाइन के इंटरवेंशन की तरह है एक करंट कलेक्टिव एनर्जी सी अभी पास आउट हो रही है ठीक है चौबीस दिसंबर में कि यहाँ पे अभी लोगों के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं ठीक है और भगवान चाहते हैं कि वो कुछ टाइम जो है रादर देन आप किसी लव कनेक्शन में इन्वॉल्व हो ये स्टक फेज बेसिकली इसीलिए आता है कि कुछ ओल्ड पैटर्न होते हैं ओल्ड चीजें होती हैं जो आपको सर्व नहीं करती और उसी की वजह से भगवान एक सेपरेशन फेज लेके आते हैं ताकि आप इंडिविजुअली ग्रो करें तो मुझे लग रहा है अभी कोलेक्टिवली ऐसी एनर्जी है कि आपका जो ये पार्टनर है ना वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ चेंजेस चल रहे हैं उनकी लाइफ में सो डेट दे बिकम देर बेस्ट वर्जन कुछ नेगेटिव हैबिट्स एलिमिनेट हों कुछ इस तरीके का राइट right? चलिए हम आप आगे बात करते हैं फेज तो है ही आपका अभी यहाँ पे ठीक है वो तो आपको पता ही होगा तभी आप यहाँ देखने आए हैं नाइन ऑफ वॉन्स दिखा रहा है कि आपका पार्टनर इस कनेक्शन में बहुत अभी उनको ऐसे लगता है कि अभी यहाँ स्ट्रगल बहुत है ठीक है पता नहीं मैं लड़ पाऊंगा इस कनेक्शन के लिए या नहीं या क्या करूंगा तो उन डिफिकल्टीज की वजह से भी कही न कहीं ना कहीं होल्डिंग बैक वाली सिचुएशन है इनर्जी है हालांकि वो आपको अपना सोलमेट की तरह देखते हैं यूनियन चाहते हैं सेलिब्रेट करना चाहते हैं बट होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है यहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि उन्हें नहीं पता क्या किया जाए क्या किया जाए ठीक है इतनी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जो सिचुएशन अभी आपके फेवर में नहीं है इस कनेक्शन की उसकी वजह से वो बस अपना सर पकड़ के बैठने के सिवा कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है उनके दिमाग में बहुत सी बातें बहुत सी चीजें चल रही हैं। कुछ लोगों के केस में ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग भी करता है और साथ ही साथ आपके बारे में अपने दोस्तों से यू नो डिस्कस भी करता है गॉसिप करता है आपके बारे में या कोई सलाह मशुरा भी कर सकता है आपसे रिलेटेड ठीक है या इरिटेशन की वजह से हो सकता है कुछ लोगों से इसके लड़ाई झगड़े भी करंटली चल रहे हों लेकिन एक वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे ये जो ओल्ड अध्याय था ना इस तरह का स्टकनेस का वो कही कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ये इंसान ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है उसकी वजह से इस इंसान की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं ये इंसान सारे बर्डन सारे ओल्ड पैटर्न जैसे उतार के फेंकेगा अपने शोल्डर से ठीक है और फिर एक न्यू शुरुआत होगी स्टार्टिंग से ये इंसान अपनी पुरानी जो हैबिट वट एवर जो बर्डन थे बेसिकली मेरे को बार बार जो चीज आ रही है बर्डन उतार के फेंकेगा ये इंसान ये मुझे लग रहा है दिसंबर का जो एंडिंग फेज है ना काफी लोग अपने हार्ट पे या अपने ऊपर जिस भी तरीके का बर्डन फील कर रहे हैं ये भी कलेक्टिव एनर्जी है कि जिस भी तरीके का बर्डन फील कर रहे हैं चाहे वो मनी एरिया में प्रॉब्लम हो चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं चाहे अपने फैमिली के इंफ्लुएंस में आके दबे जा रहे हैं और खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे जो लोग तो कुछ लोग यहाँ पे ना मतलब वो सारे बोझ उतार के जैसे फेंक रही हो ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं और ये आप देखिए जो ये पेज ऑफ वॉन्स है ये दिखा रहा है कि दूर से आपको देखते हैं आपके पार्टनर ठीक है दूर से आपको देखते हैं और यहाँ पे स्लो मूविंग एनर्जी है बट आपकी तरफ आना चाहते हैं आपको एक ऑफर देना चाहते हैं एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं लेकिन ये एक स्लो एंड स्टेडी मूविंग एनर्जी है धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम आपकी तरफ लेना चाहते हैं ठीक है तो एक चेंज आ रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ठीक है लोग अपने बर्डन उतार के फेंकने वाले हैं ऐसी इनर्जी चल रही है राइट चलिए वही इनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में भी चलती हुई नजर आ रही है और इस इंसान की पहले नंबर वन में अभी मुझे कोई इंटेंशन नहीं दिखी कि वो इंसान फ्यूचर में कुछ करेगा ये अभी होल्डिंग बैक कर रहा था अपना आपका पार्टनर अभी इसने कोई एफर्ट पुट नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर मुझे लग रहा है यह एक ऑफर जो है आपको धीरे धीरे देगा और ये मुझे लगता है इस ये इस एनर्जी की मैनिफेस्टेशन में फेब तक या मार्च तक कुछ लोगों के लिए कुछ दिखना रिजल्ट आपको स्टार्ट हो जाएगा इस इंसान की तरफ से ठीक है चलिए अब हम कुछ लव मैसेजेस लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से ओके okay, तो फिशियंट कार्ड आ चुके हैं चलिए रीड आउट कर लेते हैं तो पहला कार्ड है आई एम टेकिंग माई टाइम वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड देखिए ये इंसान धीरे धीरे आराम से एक स्ट्रैटेजी बना के आपकी तरफ आएगा इस इंसान को कोई जल्दबाजी नहीं है अभी नेक्स्ट वी सी यू आर यू आर अ डायमंड ऑफ इमेंस स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी ये इंसान को पता है आप बहुत ब्रेव हैं आप डायमंड की तरह हैं और आपकी वैल्यू क्या है आपका जो पार्टनर है उसको ये बात रियलाइज हो रही है करंटली आई आई एम am entwined इन द thoughts ऑफ फाइंडिंग यू वन डे ये इंसान डेफिनेटली एक दिन चाहता है कि आप उन्हें मिल जाए नेक्स्ट वी आई हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स कॉट बिटवीन कन्फ्यूजन एंड पेन देखिए होल्डिंग बैक करते हैं इनका मतलब कि चाहते हैं यूनियन बट फिर होल्ड बैक करते हैं तो कन्फ्यूजन की स्टेट कि मैं अप्रोच करूं नहीं करूं तो एक कंफ्यूजन और पेन पेन और जो खुद को रोकते हैं तो वो पेन के रूप में बाहर आता है आई विल डू एनी थिंग टू ब्रिंग यू हैप्पीनेस तो ये इंसान आपको खुश देखना चाहता है नेक्स्ट वी हैव आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस देखिए ये एनर्जी वापस बैक आ चुकी है ये इंसान डिस्टेंस से आपको देख रहा है मैंने क्या बोला था सेम मैसेज रिपीट हुआ यहाँ एंड नेक्स्ट वी हैव हाउ कैन आई एवर पे यू बैक अगेन आपकी वर्ड्स अब इस इंसान को समझ में आ रही है ये आपको पहले भी बताया मैंने आपको यू आर माई म्यूज तो ये काफी अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ चलिए एडवाइस ले लेते हैं मेरे ब्यूटिफुल व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पायल नंबर टू सेलेक्ट किया है ओके पायल नंबर टू के लिए एक एडवाइस यू आर गिविंग टू मैनी फर्स स्टॉप गिविंग टू मच ये लास्ट की हमारी रीडिंग में भी निकल के आया था मैसेज मुझे लग रहा है अभी भी आप में से कुछ लोग जो है स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं लोगों को अपने से बाहर होकर अगर आप लोगों को मतलब अपने यू you नो know, खुद को एग्जॉस्ट करके मैंने पहले भी आपको कहा था खुद को एग्जॉस्ट करके आप किसी का भला नहीं कर सकते ठीक है तो वो चीज आप ओवरली अगर किसी का कर रहे हैं या इसी कनेक्शन में आप एक्स्ट्रा दे दे रहे हैं तो उसको स्टॉप कीजिए चलिए एक सॉन्ग लेंगे शिकायत वेद शर्मा शिकायत सॉन्ग है वेद शर्मा का पाइल नंबर टू वालों के लिए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स ओके okay, फ्रेंड्स बाय